थोड़ी सी बारिश पड़ रही है और ऐसे में देखिए DIY तो बनाए नहीं जा सकते हैं। 1 फीट की दूरी पर बोटल पाम लगाया था, लेकिन जैसे जैसे उसका नाम ही बोटल पाम है तो नीचे से मोटा होता गया और दीवार के सहारे बिल्कुल अड़ गया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए बारिश हो रही है पिछले 1 हफ्ते से, और बीच में बस ये मानिए कि एक दिन धूप निकली थी। जो प्लांट था नागचंपा का, इस पर देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, बर्ड्स भी बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और इस तरीके के मैंने कैन में लगाया हुआ है, ये सारा गल गया है और इसकी रिपोर्टिंग ये प्लांट मांग रहा है कि मुझे रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। और मिट्टी भी यहाँ की सारी एकदम से गीली हो गई। अपराजिता का प्लांट मेरे पास ये एक ही कलर है, यहाँ पर जैसे मैं दिखाती रहती हूँ आलमांडा, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये है चमेली की बेल जो बहुत घनी हो गई है, और नीचे से मैंने कट कर दिया है इसको, तो फ्लावरिंग भी हो रही है और बर्ड्स भी बन रही है, लेकिन जब धूप ही नहीं निकलेगी, क्योंकि देखिए फूल खिलने के लिए धूप ज़रूरी होती है। और यहाँ पर मेरा ये गुड़हल का प्लांट है, इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से, और नई जो पत्तियाँ हैं वो निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई हैं, देखिए आलमांडा की मैंने दिखाया भी था आपको वीडियो में, बोगनविला की कटिंग लगाई हुई है इस डब्बे में। एक विंका का प्लांट भी आ गया है। ऐसे में साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही है और कोई प्लांट भी नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मिट्टी चाहिए होगी। और जैसे आप देख रहे हैं ऊपर नेट है, और ये देखिए ये बारिश है जो ऊपर से पानी टपक रहा है ऊपर से, तो बुरा हाल कर रखा है यहाँ पर बारिश ने। इतनी भी नहीं चाहिए भाई, प्लांट तो अच्छे से मतलब चल रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो नहीं चल पाते हैं। और इस टाइम पर रेन लिली ने काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रखी है, पिछले कम से कम ये 15 दिन से बराबर से फ्लावरिंग कर रहा है। आप बर्ड्स भी देख सकते हैं, जो फ्लावर स्पेंट हो गए हैं वो भी हैं, और नए नए फूल भी खिले हुए हैं। मेरे पास 3 कलर हैं, लेकिन ये पिंक और वाइट में ज़्यादा है। रेन लिली जैसे नाम ही रेन है तो बारिश में बहुत ज़्यादा खिलती है। ये है गोल्डन धुरंधर, जिसकी बाउंड्री मैंने अपने गार्डन के आगे बनाई हुई है। ये मैंने कट कर दिया था इसको कम से कम 1 महीना पहले अच्छे से, और ये फिर से इतनी ज़्यादा ग्रोथ किए हुए है कि कट करना ही पड़ेगा इसको। मैं देखे जो DIY बनाते हैं पेंट वगैरह, वो भी नहीं सूख पाता है, तो मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना। लेकिन इस बारिश में आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो जो बाहर गमले हैं आपके उसकी मिट्टी में पानी बराबर जा रहा है, बराबर बारिश हो रही है, तो ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। और अगर पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी रुक रहा है, तो छीन लेनी है और उससे आपको गमले को कवर कर देना जिससे उसमें पानी ना जाए। जब देखें कि बारिश रुक रही है तो पोलोथीन को आप अलग से हटा दें, और जब बारिश हो रही है तो पोलोथीन से आप अपने गमले कवर कर सकते हैं। ड्रेनेज का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अच्छे से चले हुए पौधे भी पानी ज़्यादा जाने की वजह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। पोर्चुली का है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और ऐसे में देखिए कितने सारे इसने कलियाँ बनाई हुई हैं, कुछ स्पेंट हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन जब धूप ही नहीं मिलेगी तो फ्लावर खिलने तो मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पर ये कनेर है, ये मैंने छोटा से देखिए इसमें गमले में लगाए हुए हैं और फ्लावरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी। और यहाँ पर ये रेन लिली येल्लो वाली जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, मैंने एक ही बल्ब में लिया था, किसी के यहाँ से मंगाया था, और उसी से 6-7 बल्ब बन गए हैं। टिकोमा पर भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए स्नैक वगैरह का कुछ नहीं बिगड़ता है। और जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसका तो बस एक ही है कि कोई आपके पास कट्टे वगैरह हैं या बड़ी सी पोलोथीन है तो आप उनको कवर कर सकते हैं, सारे प्लांट एक जगह इकट्ठे करके उनको कवर कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एक स्टैंड है, ये भी मैंने कबाड़ी से लिया था। यहाँ पर ये फूल आने शुरू हो गए हैं, जो मेरी बोगनविला की बेल टूट गई थी और जिसे मैंने अच्छे से बांधा, आंधी में उखड़ गई थी बिल्कुल, नीचे से बांस लगे हुए थे इसके। और ये मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, दिखाती रहती हूँ। तो इस तरीके से आप प्लांट बचा सकते हैं बिल्कुल। सब बोल रहे थे अभी नहीं होने की, ये ख़राब हो गई, इतना बड़ा प्लांट टूट गया, नीचे से उखड़ गया तो कैसे होगा। तो मैंने इसको सारा कट किया और उसके बाद मैंने इसको ऐसे बांध के और डंडे के सहारे खड़ा कर दिया। धीरे धीरे बारिश हो रही है, छाते के अंदर हूँ मैं, और ये ऊपर से नेट में से पानी नीचे टपक रहा है जगह जगह, देख सकते हैं।
सब काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। सोच रही थी कि अब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करूंगी अपने गार्डन में। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं होता है कि सभी के पास जगह हो, लेकिन शेड वगैरह आप लगा सके प्लांट के लिए तो वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो मुश्किल हो जाती है। देख जो पौधे होते हैं उन पर ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें पानी भर गया, बाकी के गमलों में किसी में भी पानी नहीं है। आप देख सकते हैं किसी गमले में पानी नहीं है रुका हुआ, लेकिन इस गमले में पानी है। ये देखिए किसी भी गमले में मेरे पानी नहीं रुका है। ये गुड़हल का प्लांट है मिनिएचर का, और इस गमले में पानी रुक गया, इसी वजह से जड़ें सड़ने लगती अगर ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपके गमलों में भी इस तरीके से पानी रुका हुआ है, छोटे छोटे गमलों में, तो आप उसको इस तरीके से निकाल दें सीधा। अगर बारिश बराबर हो रही है तो सीधा ना करें, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके उसको रख दें, क्योंकि पानी नहीं जाएगा और उसमें भरेगा नहीं। जब बारिश रुक जाए तब थोड़ा सा उसको सीधा कर दें। ये थोड़ा सा एक जुगाड़ कर सकते हैं आप। बाकी के गमलों में मेरे पानी नहीं रुका है किसी में भी, यही चेक कर रही थी, सोचा कि वीडियो बना लूं। और देखिए बारिश से ज़्यादा होने की वजह से ये पेंट ख़राब होने स्टार्ट हो गए हैं। 2 साल के बने हुए नारियल प्लांटर बने हुए थे, फिर से इसको पेंट करूंगी और फिर हंसने मुस्कुराने लगेंगे बारिश जैसे ही ख़त्म होगी। ज़रूरी नहीं है मार्केट से ही खरीदें। ये देखिए ख़राब नहीं हो रहा, बराबर से बारिश में रखा हुआ, पिछले 1 हफ्ते से तो बराबर बारिश हो रही है। और ये देखिए ये मैंने मेंढक है फोग, ये मैंने अपने से ही बनाया था। ये वॉल पुट्टी का डो बच गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा और उस पर वॉल पुट्टी लगा के इसको एक मेंढक जैसा बना देती हूँ। वाकई देखिए आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये। और ये डक भी बनाई हुई है मैंने वॉल पुट्टी से ही, ख़राब नहीं होती है पानी। दोस्तों कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ढीठ होते हैं, जहाँ पर गिर जाते हैं वहाँ पर ही होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए मेरे प्लांटर हैं, वार्डिंग जो लगाई हुई है और नीचे ये टूट के गिरी हुई है, तो ये देखिए यहाँ से ही इसने, देख सकते हैं आप यहाँ से ही इसने ये जड़ें बना ली हैं अपनी। ये देखिए ये रूट्स बन गई हैं। तो ये प्लांट ऐसा है जिसको आप थोड़ी सी मिट्टी का अगर टच मिल जाए ना गिरी हुई को भी, तो भी जड़ें बना लेता है। देखो ये बना लिया है इसने, और काफ़ी सारे, एक टर्टल वाइन है बहुत ज़्यादा, मैं उससे परेशान हो गई हूँ। ये देखो ये इसमें मैंने लगाया हुआ था, ये प्लांटर जैसे मैंने आपको कई बार दिखाया है, इसमें लगाया हुआ था, इसी में ये कहीं से आके ये टर्टल वाइन इसमें आके गिर गई। ये टर्टल वाइन लटक रही है और ऊपर क्रिपिंग है, तो मैंने सोचा निकालती नहीं, ये तो अच्छा बन गया है, अच्छा लग रहा है। और ये जो है क्रिपिंग इंच ये वाली, ये सभी गमलों में हो गई है, मैंने उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया है। ये मैंने खाद बनाई हुई थी तो ऐसे ही रखी हुई है, थोड़ी सी बची हुई है पत्तियों की खाद है ये। क्रिपिंग इंच कितने ढीठ प्लांट हैं, ये देखो इसमें भी हो गई है और इसमें भी हो गई है। उधर की आप देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे इस जो लीव कटर होता है उसने पत्तियाँ चट कर दी हैं इसकी, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगी, धूप निकलेगी और इसको फिर से इसकी जो खाद वगैरह वो डाल के ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि पत्तियाँ ही गई हैं, जड़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं इसकी। कुछ पत्तियाँ हैं देखो 2-3, और इसकी जड़ें ठीक हैं तो स्टेम भी ठीक है इसकी। और मेरा ये गार्डन काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिलता, और फिर आप बिल्कुल फिट हो तब भी चलता है, लेकिन देखिए मैं परेशान हूँ थोड़ी सी और तबीयत की वजह से। यहाँ पे देखिए एक ये ढीठ प्लांट है, बहुत ढीठ प्लांट है, मुर्गा कल की, कॉक्सकॉम, कई नामों से जाना जाता है। ये ड्वार्फ वैरायटी में नहीं है, ये लॉन्ग वैरायटी में, जहाँ देखो वहाँ पर निकल आया है, कितने ही निकाल निकाल के फेंक दिए हैं। ये देखो मैंने नहीं लगाया हुआ था, ये इसमें मेरे यहाँ पे ये गुलदावदी के प्लांट लगे हुए हैं, तो इसी में देखो इसके सीड्स डल गए हैं, इसी में हो गया ये। तो मैंने सोचा चलो होने दूँ इसको, फिर निकाल दूँगी। एक देखो उधर हो रहा है, काफ़ी सारे हो रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए थे। और जैसे कि बात कर रही थी टर्टल वाइन की, तो इसने तो ये बोलूँगी कि भैया मेरा तो इसने खून ही पी दिया, इतना दुखी करके रखा है। ये देखो जमीन में सारे ग्राउंड में टर्टल वाइन उगाई है, वहाँ से कोई ब्रांच गिरी इसमें उधर से, और मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो उधर से कोई ब्रांच गिरी और इधर तक फैल गई है।
यहाँ से यहाँ तक। अब इसको निकलवाऊंगी, तब बारिश बंद होगी तभी निकलवाऊंगी। कटिंग की बात करूँ तो गुलदावरी की कटिंग आप लगा सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी थोड़ा सा बारिश और ठीक सी हो जाए, मतलब मौसम ठीक सा हो जाए तभी इसकी कटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर आते आते, अक्टूबर नवंबर आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे और फ्लावरिंग करने लगेंगे नवंबर में। अंजीर का प्लांट, ये देखो अंजीर, तो अगर आपके पास जगह है ना तो अंजीर तो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। गार्डन में अपने तीन गेट बनाए हैं, यहाँ पे देखे गुड़हल है, देसी गुड़हल, और बड्स अच्छे से बनी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे दिन का राजा, ये मोगरा पे बड्स बनी हुई हैं। जैसे ही धूप निकलेगी तो ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। इस प्लांट का नाम आप मुझे बताएंगे, मेरे पास ये पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए होंगे इसको, तो देखो कितने अच्छे से लीव्स बनी हुई हैं। और एक इस तरीके के टीन के डब्बे में मैंने लगाया हुआ है। सारे लगते हैं कुछ प्लांट, और ये है चांदनी के, बिल्कुल जैसे छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हैं ना आकाश में उसी तरीके से। यहाँ पर ये वाइट गुड़हल है ये वाला, और उधर ये रेड गुड़हल है, देखो कितने फूल आए हुए हैं। अभी मिली बग नहीं है, एक बार आया था लेकिन मैंने इस पर स्प्रे किया और बिल्कुल चला गया, क्योंकि बारिश एक तरह का खाद अपने आप लेके आती है। तो सभी पौधों को बहुत अच्छे से लहरा रहे हैं, लेकिन बारिश में घास भी ज़्यादा हो जाती है और पानी रुक जाता है गमलों में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। प्लांट देख रहे हैं, ये है चंपा, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इस पर, ये देखिए। और ये जो आप मेरे प्लांट की हालत देख रहे हैं ना, ये इसलिए हुई थी, ये देखो एक रहना ये टूटा हुआ, काफ़ी पुराना हो गया, कम से कम 1 साल पुराना, और ये देखो 6 महीने पहले ये हुआ। ये उधर से तोड़ी ये ब्रांच, देखो अभी तो लटक भी रही है इस पे। ये बंदरों का इतना उत्पात है, क्योंकि दीवार है इधर, इस साइड से आते हैं उधर अमरूद खाते हैं या सब्जियां, उधर गार्डन में जाते थे और इधर आते थे। और इस प्लांट पे, ये गोरी चोरी का प्लांट है, उधर छत पे मेरी ये जो छत है इस पर चढ़ जाते थे, या उधर से आते थे पड़ोस में से, और इधर को उतर उतर के यहाँ से इधर आते थे, तो सब तोड़ दिया है इन्होंने। और गोरी चोरी का प्लांट दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो भाई ये प्लांट भी आप गमले में लगा सकते हैं, देखो मेरे यहाँ पे जगह थी तो मैंने लगा रखा है नीचे। देखिए ये सावनी का रेड कलर में है, थोड़ा सा छोटा प्लांट है क्योंकि इस तरीके के, देखिए मैंने टीन में लगाया हुआ है, ये टूट गया है ऊपर से, और इसमें भी क्रिपे किंच है, ये अपना डेरा कहीं पर भी जमा लेती है। ये गुड़हल मेरा ये रहा, ये देखो इसकी पत्तियों में भी अच्छी चमक है, और ये फ्लावर खिले हुए हैं इस पर, मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, 8-10 या 2-4 तो फ्लावर देखो खिलते ही रहते हैं। स्टार लाइट के प्लांट है, मैंने दोनों साइड में लगाया हुआ है, तो इस तरीके अगर आपके पास जगह है ना तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप टेरिस गार्डनिंग कर रहे हैं तो बड़े गमले लें, प्लास्टिक के हो सके तो प्लास्टिक के लें टेरिस पर, क्योंकि वेट हो जाता है इतना। जो मेरा ये स्पेस है गार्डन का, ये मेरे प्लांट के लिए मैंने ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस मुझे पौधे लगाने हैं। थोड़ा सा काम तो देखिए आपको ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मन को सुकून बहुत मिलता है। बीमार होने के बावजूद भी थोड़ी टेंशन ये रहती है कि आपके प्लांट कैसे हो रहे होंगे, क्या हो रहा होगा उनके साथ। कुछ प्लांट ख़राब भी हुए फ्रेंड्स मेरे, ऐसी बात नहीं कि ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए जब घर में आपके साथ कोई दूसरा देखभाल करने वाला हो पौधों की, जानता हो उनके बारे में, तो वो संभाल सकता है, लेकिन बस पानी देने से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें हम पानी नहीं ज़्यादा दे सकते हैं, ख़राब हो जाता है प्लांट, या कोई प्लांट को दिन में 2 बार भी पानी चाहिए होता है। देखिए ये वाला बोटल पाम को मैं दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे बीच में लगाया था इसको, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं किया इसका, इसको करीब 2 साल हो गए इसको भी, और मैंने इसमें लगाया था, यहाँ पे बाउंड्री थी इसकी, और ये देखो ऐसे बाउंड्री थी, तो इसने ईंटें भी उखाड़ दी हैं, ईंटें भी उखाड़ दी हैं, और जब 2 साल में इतना बड़ा हो गया है, और इधर देखिए मेरी दीवार है ये, और मुश्किल से एक इंच बचा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे जड़ आ गई इसके ऊपर भी, ईंटों के ऊपर भी इसने जड़ें बना ली है, और यहाँ तक निकाल के रखी हुई है नीचे तक।
तो अगर आप बोटल पाम लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, दीवार से कम 1 मीटर की दूरी पर आप बोटल पाम लगाएं, वरना देखिए ये थोड़ी सी छोटी छोटी जो बातें हैं बाद में पछताना पड़ता है। इतना बड़ा प्लांट आप कहाँ निकाल लेंगे और इसको कट करवाना चाहेंगे तो बहुत दुख होता है जब आपका बड़ा प्लांट कट होता है। अब देखती हूँ कि दीवार को अगर नुकसान पहुँचाएगा तो निकालना पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। तो बताइएगा फ्रेंड्स, आपको मेरी ये छोटी सी अपडेट कैसी लगी। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।